वजह से डायफ्राम राइट साइड की ऊंची होती है, राइट लोब ऑफ द लिवर, दिस इज द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, ठीक हो गया। ये इसकी इंटीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस है, जहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब होता है। अच्छी तरह देखिए इसको। अब मुझे एक बच्चा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये बताए कि क्वाड्रेट लोब कहाँ है। क्यू वाला क्वाड्रेट लोब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया के सवाल। दिस वन जिसके ऊपर मेरी राइट इंडेक्स फिंगर है, दिस इज द क्वाड्रेट क्वाड्रेट लोब, क्यू वाला क्वाड्रेट लोब, ठीक हो गया। और सेकंड लोब जो हमने डिस्कस किया था वो क्वाड्रेट अब जिसमें इंडेक्स फिंगर है, दिस इज द क्वाड्रेट लोब, सी वाला, सी ए यू डी ए टी ई, ये क्वाड्रेट लोब है। इसके अलावा कैल्सिफॉर्म लिगामेंट दिखाए इनको, इसमें इतना डेवलप नहीं है कैल्सिफॉर्म लिगामेंट। This one is the falciform ligament. Yes, sir. ये falciform ligament. ठीक हो गया। ये जो ये है, इसका क्या नाम है? Superior layer of corneal ligament. ठीक है। Right side का, ये left side का, ये बहुत ही वॉल ग्रेटर आप लोग पहचान जाएंगे देखते ही। अगर फंडस के ऊपर लगा होगा तो फंडस ऑफ वॉल ग्रेटर होगा, नहीं तो और पार्ट जो है वो पेंडिकुलम है एंड स्टॉक है, ठीक है। यस सर। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर तो पार्ट का नाम आता है तो वो भी लिखते हैं साथ ऑर्गन का नाम, नहीं तो अगर सिर्फ वॉल ग्रेटर भी लिखते हैं तो इट मे सफाइस, ठीक हो गया।